ओके गाइस, नाउ हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है सेफ्टी ऑन रोड के बारे में पढ़ा था, जनरल सेफ्टी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड एवरीथिंग। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी फ्रॉम फायर। नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि आग से सेफ्टी के लिए क्या सब होना चाहिए। ठीक है, आपको ये तो पता है दैट फायर स्प्रेड्स वेरी फास्ट, राइट, एंड कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आग जो है बहुत तेज़ी में फैलती है और ये जो है जान और माल, प्रॉपर्टी, संपत्ति दोनों का नुकसान कर सकती है। नाउ टू कीप आवर सेल्फ सेफ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वी शुड नो अबाउट द कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ फायर एक्सीडेंट। ओके, हमें जो है जो कॉजेज है, जो कारण हैं, और साथ ही साथ कैसे बचाव किया जाए, कैसे रोका जाए फायर एक्सीडेंट्स को, इन दोनों चीज़ों को जानना चाहिए हमें। तो कॉजेज की अगर हम बात करें, वो कारण जिनकी वजह से फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जिसमें नंबर वन में आता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। मतलब कहीं पर मान लीजिए कि वायरिंग में प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पर जो है स्पार्क हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से आग लग गई। ये इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स जो है ये आग लगने की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा अनसेफ यूज ऑफ थिंग्स लाइक मैच स्टिक्स, पेट्रोमैक्स, कैंडल्स, केरोसिन ऑयल एंड फायर क्रैकर्स। अगर मान लो असुरक्षित तरीके से अगर हम माचिस का या पेट्रोमैक्स का, जो लाइट वाला होता था, या फिर मोमबत्ती का, केरोसिन तेल का, फायर पटाखे वगैरह का, इन सब का अगर हम अनसेफ तरीके से यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा गैस लीकेज इन किचन वाइल्ड कुकिंग, राइट, गैस लीकेज जो होता है किचन में कुकिंग के टाइम में, उसके वजह से भी कई बार आग लग जाती है। तो ये सब कॉजेज हो गए। अब प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? तो वेल, नीचे जो ये जो रूल्स दिए गए हैं पांच, इनका यूज करके जो है हम अपने आप को वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम फायर एक्सीडेंट्स। हम अपने आप को जो है फायर एक्सीडेंट्स से सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि वी शुड केयरफुली हैंडल मैच स्टिक्स, कैंडल्स एंड गैस स्टोव। हमें जो है केयरफुली हैंडल करना चाहिए माचिस को, मोमबत्ती को, गैस चूल्हे को, इन सबको हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए। जैसे अगर गैस चूल्हे का यूज कर रहे हैं आप, तो पहले जो है सिलेंडर के साथ लगे हुए रेगुलेटर को हमेशा बंद करिए जब भी आप चूल्हे को यूज ना कर रहे हों। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर गलती से आपके चूल्हे का जो है नॉब जो है वो खुला भी रह गया, अगर आपका गैस चूल्हा जो स्टोव जो है वो अगर खुला भी रह गया तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के पास रेगुलेटर से ही आपने गैस को बंद कर रखा है, तो इसलिए। दूसरी बात, वी शुड अवॉइड वेयरिंग नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल कुकिंग। हमें जो है नायलॉन या बाकी सिंथेटिक कपड़े जो है वो कुकिंग के टाइम में अवॉइड करना चाहिए, खाना बनाने के टाइम में हमें इन कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे कैन ईजिली कैच फायर, क्योंकि वो जो है आसानी से आग पकड़ सकते हैं। वी शुड नॉट वेयर क्लोथ्स दैट आर टू लूज वाइल वर्किंग इन द किचन। हमें जो है वो कपड़े नहीं पहनना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ढीले हैं किचन में काम करते वक्त। ठीक है, किचन में जब भी काम करें तो ऐसे कपड़े पहनें जो कि आपके बॉडी के साथ फिट हो, जो कि बहुत ज़्यादा इधर उधर लटका फटका ना हो, क्योंकि होगा क्या, गलती से जो है आपके कपड़े का कोई हिस्सा जो है वो बर्नर के पास चला गया, आग लग गई और इतना ढीला है कि आपको अभी पता भी नहीं चला। जब बढ़िया से आग पकड़ लेगी तब जाके आपका ध्यान जा पाएगा उधर, तब तक में आग फैल जाएगी, खतरा है कि नहीं खतरा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली। बिजली की वायरिंग जो है इसे रेगुलरली चेक करना चाहिए, इट शुड बी चेक्ड रेगुलरली। नाउ व्हेन देयर इज अ गैस लीकेज, वी शुड नॉट यूज लाइटर, मैच बॉक्स और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिक स्विच। जब गैस लीकेज होती है तो उस समय में हमें जो है लाइटर का या मैच बॉक्स का यूज नहीं करना चाहिए और ना ही किसी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन ऑफ करना चाहिए, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन या ऑफ भी करते हो ना तब भी एक बहुत हल्की सी स्पार्क लेकिन जरूर निकलती है। तो ऐसे में अगर गैस लीकेज है तो गैस तो सब जगह पहुंचा होगा, थोड़ा सा भी स्पार्क हुआ नहीं, उस गैस में आग लगी, बूम है, तो अवॉइड करना चाहिए। और गैस लीकेज के टाइम में वी शुड ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस एट वंस टू लेट द गैस आउट। ठीक है, गैस लीकेज के टाइम में जितने भी दरवाजे खिड़कियां हैं सबको एक साथ खोल दो एकदम से, ताकि गैस जो है वो बाहर निकल जाए। नाउ स्मॉल चिल्ड्रेन शुड नॉट लाइट फायर क्रैकर्स देमसेल्व्स। छोटे बच्चे जो हैं उन्हें खुद से पटाखों में आग नहीं लगानी चाहिए, इट मे बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। इवन एडल्ट शुड ऑल्सो बी केयरफुल वाइल लाइटिंग क्रैकर्स। इवन बड़े बच्चे जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए जब वो पटाखे वगैरह में आग लगा रहे हैं। अब मान लो अगर आग लग गई, ठीक है,
तो फिर फायर फाइटिंग कैसे हो, फायर फाइटिंग मतलब आग बुझाना, आग बुझाने का काम कैसे करिएगा। तो वेल, फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स, इन मेथड्स को यूज करके आप फायर को बुझा सकते हैं। व्हेन पेपर और वुड इज ऑन फायर इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग वाटर ओवर इट। जब कागज या लकड़ी वगैरह में आग लगती है तो इसको इसके ऊपर जो है पानी डाल के हम बुझा सकते हैं। लेकिन व्हेन द फायर इज कॉज्ड बाय पेट्रोल एक्सटिंग्विश इट बाय थ्रोइंग सैंड और मड ओवर इट इंस्टेड ऑफ वाटर। समझे कि नहीं बात? अगर पेट्रोल वगैरह से आग लगी है तो इसको बुझाने के लिए इसको जो है बालू या इसके ऊपर जो है बालू या मिट्टी कीचड़ वगैरह फेंक के जो है इसको बुझाइए आप। रीजन ये है कि पेट्रोल जो है बींग लाइटर देन वाटर, पानी से, चूंकि पेट्रोल हल्का होता है तो अगर आप पानी फेंकिएगा भी तो पेट्रोल क्या होगा, पानी के ऊपर आ जाएगा, इट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड कंटिन्यूज टू बर्न। ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा, जलता रहेगा, तो फायदा नहीं हुआ ना। तो इसको बुझाने के लिए क्या करेंगे, मड या सैंड का यूज करेंगे। अब आगे बात आती है फिर बुक उल्टी है, लेट मी करेक्ट इट। व्हेन ए पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर आस्क हिम टू रोल ऑन द ग्राउंड, कवर हिम विद अ ब्लैंकेट और एन ओवरकोट। अगर किसी आदमी के कपड़े में आग लग जाए तो सबसे पहले तो उसे बोलिए कि जमीन पर लेट के पलटी पलटी करने के लिए, ठीक है? वो जमीन पर लेट के इधर उधर उलटना पलटना शुरू करेगा तो इससे क्या होगा, आग जो है उसका हवा के साथ संपर्क टूटेगा तो आग के बुझने का चांस बनता है। दूसरा, आप क्या करिए, उसको फिर ब्लैंकेट कंबल या ओवरकोट वगैरह से उसको ढक दीजिए ताकि आग का जो है हवा के साथ संपर्क टूट जाए। जैसे ही फायर का हवा से संपर्क टूटता है तो फिर फायर को जलने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए ना, वो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। नाउ व्हेन फायर इज कॉज टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट। ये सबसे बड़ी बात है और अभी के समय में बहुत ही क्रूशियल बात है ये, कि कभी भी अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है तो इस पर पानी मत फेंकिए आप, बिकॉज वाटर मे गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक। क्योंकि बिजली के शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है तो मतलब जिधर आग लगी है उधर बिजली की करंट मौजूद है। अब उसके ऊपर अगर आप पानी फेंकोगे तो वो बिजली का झटका तो पानी से होते हुए आपको भी लग सकता है। दिस टाइप ऑफ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। इस टाइप की आग को बुझाने को भी आप जो है बालू डाल के बुझा सकते हैं, मिट्टी डाल के बुझा सकते हैं। बस स्विच ऑफ द मेन सप्लाई इमिडिएटली टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर। जो मेन सप्लाई है इसको फटाफट जो है आप बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि आग जो है वो आगे ना फैले। फिर जो स्मॉलर फायर्स हैं, स्मॉलर फायर्स मे बी एक्सटिंग्विश्ड बाय अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। छोटे मोटे जो आग लगते हैं इनको एक स्पेशल डिवाइस जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, तो उससे इन्हें बुझाया जा सकता है। सो इफ़ इट इज़ अवेलेबल वी मस्ट लर्न टू यूज इट। ओके, अगर ये अवेलेबल हो तो हमें जो है इसको यूज करना जरूर सीखना चाहिए। इन केस ऑफ बिग फायर्स, अगर बड़ी आग लग जाए, जैसे हम लोग के यहाँ मोहल्ले में आग लग जाती है या खेत वगैरह में आग लग जाती है, तो ऐसे में वी शुड शाउट फॉर हेल्प इमिडिएटली। हमें जो है इमिडिएटली मदद के लिए चिल्लाना चाहिए और साथ ही साथ जो है टेलीफोन पर जो है वो 112 पर 112 पर फ़ोन करना चाहिए फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए। सो वेल, लेट अस यू नो लाइक स्टॉप द लेसन टुडे हियर, आई मीन लेसन फॉर टुडे। बस इन सवालों का जवाब मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय, ये हुई ना बात, LPG डाल दो आग बुझ जाएगी ना। पेट्रोल से लगे हुए आग पर ना तो आप वाटर डालिएगा ना LPG, उसके ऊपर आप क्या डालिएगा, सैंड। विच नंबर शुड बी डायल टू कॉल द फायर ब्रिगेड, कौन सा नंबर कॉल करके आप डायल करके आप फायर ब्रिगेड को बुलाइएगा? तो वेल 100 जो है दैट इज़ फॉर योर पुलिस, 102 इज़ फॉर आई गेस हॉस्पिटल एम्बुलेंस, 112 इज फॉर फायर ब्रिगेड। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट वी शुड स्विच ऑफ द मेन सप्लाई। जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो हमें जो है मेन सप्लाई को बंद करना चाहिए। तो वेल यू नो लेट्स टेक अ पॉज हियर, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में जहाँ पर हम लोग फर्स्ट एड वगैरह के बारे में बात करेंगे, बिकॉज दैट ऑल्सो प्रोमिसेज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ दिस चैप्टर। तो मिलते हैं अगले सेशन में फिर, बाय बाय।